हाँ मम्मी, हाँ रास्ते में हूँ। हाँ हाँ, मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है। हाँ लगा रखा है मास्क। जी बाबू जी साहब, घरवाले की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। शहर से दवाएं लेके आया हूँ, आगे गाँव तक छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगा। ठीक है, आओ बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। उस आदमी की वजह से मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? तुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास। कहीं मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं। देख, यदि तू डॉक्टर के पास जाएगा, हो सकता है तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव हो तो तेरा इलाज जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह से तुझे भी फायदा होगा, तेरे परिवार को भी फायदा होगा। कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोच। हो सकता है मुझे कोरोना हुई ना, एसी चल रही थी तो उसकी वजह से मुझे कफ हुआ हो। हाँ, नॉर्मल खांसी जुकाम भी तो हो सकता है। हाँ, तो क्या जरूरत है टेस्ट करवाने की? हाँ, हो सकता है ये नॉर्मल खांसी जुकाम हो, लेकिन तुम्हें अपनी जांच तो जरूर करवानी चाहिए। इससे तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हारे परिवार को भी फायदा होगा, औरों को भी फायदा होगा, क्योंकि हो ना हो तुम इस देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हो। तो तुम्हें आज ही और अभी जा करके अपनी जांच करवानी चाहिए। कंग्रेचुलेशन संदीप, आपकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। मैं जिला कलेक्टर बीकानेर आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया है या अन्यथा उसमें किसी तरीके के कोरोना संबंधी लक्षण हैं तो घबराएं नहीं, तुरंत अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। और अस्पताल में जांच पूरी तरह निःशुल्क है। और अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आता है फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों का इलाज संभव है। अगर आप समय पर जांच कराते हैं तो आपका इलाज पूरी तरह संभव है। ऐसा करने से ना आप स्वयं को बचा पाएंगे, बल्कि अपने जो परिवारिक जन हैं, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उनको भी आप सुरक्षित रख पाएंगे।